हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूँ शिबानी घरत। Xiaomi हमेशा से अपनी Redmi सीरीज के अंडर सब 15,000 रुपीस के फोन्स लॉन्च करता आया है, लेकिन इस ब्रांड ने देश में पहली बार अपनी Redmi सीरीज के अंडर दो फ्लैगशिप फोन्स लॉन्च किए हैं, K20 और K20 Pro। हमारे पास है K20 Pro का रिव्यू यूनिट और ये डिवाइस सीधे टक्कर देता है मार्केट में मौजूद Asus ZigBee और OnePlus 7 को। लेकिन क्या ये फोन आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं, क्या इसमें सचमुच फ्लैगशिप क्वालिटी फीचर्स है या नहीं, ये मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है। Redmi K20 Pro में 6.39 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है। Redmi K20 Pro में Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर है और उसका साथ देती है 8GB और 6GB के दो RAM ऑप्शन। स्टोरेज के लिए भी 128GB और 256GB के दो ऑप्शन मिलेंगे। गेमर्स के लिए इसमें 8 लेयर ग्रेफाइट कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ गेम टर्बो 2.0 दिया गया है, जो कि गेमिंग के एक्सपीरियंस को और भी बेहतर करता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है। वही सेल्फी के लिए 20 मेगापिक्सल का फ्रंट पॉपअप कैमरा है। सिक्योरिटी के लिए इसमें 7 जनरेशन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। Redmi K20 Pro के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के वेरिएंट की कीमत है 27,999 रुपए और 8GB RAM और 256GB की इंटरनल स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 30,999 रुपए। सबसे पहले लुक फील और डिजाइन की बात करते हैं, तो ये फोन ऑरा प्राइम डिजाइन के साथ आता है। अभी हमारे पास जो रिव्यू यूनिट आया था वो कार्बन ब्लैक कलर का है, हालांकि दो कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन कार्बन ब्लैक में वो जो ऑरा प्राइम डिजाइन है वो थोड़ा म्यूटेड यानी थोड़ा कम ही नजर आता है। लेकिन डिजाइन वाइज और लुक एंड फील वाइज फोन काफ़ी प्रीमियम लगता है। साथ ही कर्व्ड बैक ग्लास जो पीछे की तरफ दी गई है वो काफ़ी स्लीक है, लेकिन हाँ एक बड़ा इशू आप महसूस करेंगे, फ़ोन थोड़ा बल्की है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा बैक स्लिपरी है, जिसे आप आसानी से कवर की मदद से फिक्स कर सकते हैं। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो K20 Pro में 6.39 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं, डिस्प्ले काफ़ी वाइब्रेंट है, इनफैक्ट ये एक एच टू एच डिस्प्ले है। इसी के साथ साथ Netflix और Amazon Prime जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के HDR कंटेंट को Xiaomi इस डिवाइस पर सपोर्ट करता है। बिहार में तीन तरह से जोड़ियां बनती है बाबा, हिम्मत वालों की अरेंज जोड़ी, किस्मत वालों की लव जोड़ी और दहेज के लालचियों की। इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बात करते हैं, तो इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इनफैक्ट मार्केट में मौजूद दूसरे डिवाइसेस के मुकाबले काफ़ी एक्यूरेट है। और जैसे ही आप इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को सिक्योरिटी अनलॉक के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक थंब इम्प्रेशन हमेशा आपके फ़ोन पर लगा रहेगा, यानी डिस्प्ले के अंडर लगा रहेगा, जो आपको बार बार रिमाइंड करेगा कि बिल्कुल एक फिंगरप्रिंट की मदद से डिस्प्ले पर ही आप फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। और इसका रेगुलर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो पीछे की तरफ नहीं है, डिस्प्ले के अंदर ही है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो Qualcomm Snapdragon 855, साथ ही हमारे पास जो रिव्यू यूनिट आया था वो 8GB की रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आया था, तो परफॉर्मेंस मामले में देर आर एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स। हाई एंड गेम्स आप बिल्कुल हाईएस्ट ग्राफिक सेटिंग्स पर इस फोन पर खेल सकते हैं। परफॉर्मेंस इस फोन का काफी स्मूथ, फास्ट और स्नैपी है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो 4000 mAh की बैटरी इसमें दी गई है। हैवी यूजेज के बाद भी दिन भर आसानी से इसकी बैटरी चल जाती है और इसी के साथ साथ 27 वॉट के फास्ट चार्जर को भी आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको 999 रुपये एक्स्ट्रा चुकाने होंगे, लेकिन हाँ मैं कहूँगी इट्स टोटली वर्थ द मनी। मतलब लगभग एक घंटे में आपको ऑलमोस्ट 100% चार्ज दे जाता है। लेकिन हाँ, कुछ यूनिक चीज़ें हैं इसके बैटरी लाइफ
को देखें तो फॉर एग्जाम्पल कई बार झट से बिल्कुल झट से बगैर किसी इस्तेमाल के इसकी बैटरी गिर जाती है, लगभग 10% आराम से गिर जाती है। तो दैट इज़ वन यूनिक केस, मैंने 2-3 बार इनफैक्ट इसे महसूस किया, लेकिन हाँ ओवरऑल इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। कैमरा की अगर हम बात करें तो 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप इस डिवाइस में दिया गया है। 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर इसमें दिया गया है। अभी जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है उसमें मुझे ज़्यादा कुछ फोटो क्वालिटी में फ़र्क नहीं नज़र आया एज़ कम्पेयर टू इट्स ऑटो मोड। और ख़ासकर ये बात है कि सेटिंग्स में खास जाकर आपको 48 मेगापिक्सल को इनेबल करना पड़ेगा, कुछ खास डिफरेंस नहीं नज़र आएगा आपको फ़ोटोज़ में। अभी लो लाइट के जो फ़ोटोज़ हैं वो शाओमी की हमेशा से प्रॉब्लम रही है, इस डिवाइस में भी लो लाइट के इमेजेस कुछ खास क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के नहीं आते। आउटडोर इमेजेस, ब्राइट लाइट कंडीशंस वाले इमेजेस काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हाँ सैचुरेशन जो है वो इमेजेस का बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको ब्लू जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लू नज़र आएगा, यानी स्काई बहुत ज़्यादा ब्लू नज़र आएगी, या फिर ट्रीज़ का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा डीप ग्रीन कलर का नज़र आएगा। तो सैचुरेशन में थोड़ा बहुत इशू है, लेकिन आउटडोर कंडीशंस में, ब्राइट लाइट कंडीशंस में इसके इमेजेस काफ़ी अच्छे हैं। वाइब्रेंट लाइट, डायनामिक लाइट कंडीशंस के इसके इमेजेस आर क्वाइट ओके, लेकिन हाँ लो लाइट कंडीशंस वाले इमेजेस इतने कुछ ज़्यादा खास नहीं है। सेल्फी कैमरा की अगर हम बात करें तो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इसमें दिया गया है, इनफैक्ट पॉपअप सेल्फी कैमरा है, और जैसे ही आप सेल्फीज़ के मोड को ऑन करेंगे तो एक कूल एलईडी लाइट के साथ ऊपर आता है इसका सेल्फी कैमरा, पॉप आउट होता है। इनफैक्ट 20 मेगापिक्सल का कैमरा है जैसे मैंने कहा, लेकिन हाँ शाओमी के डिवाइसेस से हमेशा से मुझे सेल्फी कैमरा से ये शिकायत रही है कि फोटोज़ जो है, यानी आपके सेल्फीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, फ्लॉलेस और वाइट आते हैं। तो इस डिवाइस में भी यही शिकायत है, मतलब मैं बिल्कुल एकदम वॉश्ड आउट वाइट लगती हूं इसके सेल्फीज में। तो दैट इज वन इशू, अदरवाइज ओवरऑल सेल्फी कैमरा इसका ठीक ठाक ही है। फाइनली काफ़ी पावर पैक डिवाइस है शाओमी का रेडमी K20 Pro, लेकिन हाँ क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई कर पाता है? प्रोसेसर वाइज, परफॉर्मेंस वाइज क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 इसमें दिया गया है, परफॉर्मेंस इस डिवाइस का काफ़ी अच्छा है, लुक फील एंड डिज़ाइन वाइज काफ़ी प्रीमियम लगता है। कैमरा में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता था, साथ ही बैटरी लाइफ और भी बेहतर हो सकती थी, तो कुछ डिपार्टमेंट्स में मात खाता है, लेकिन ओवरऑल अच्छे फीचर्स वाला डिवाइस है। लेकिन हाँ प्राइस को अगर थोड़ा कम रखते, मतलब लगभग 25,000 के आसपास रखते, तो दिस वुड हैव बीन डेफिनेटली अ डिवाइस वर्थ योर पिक। लेकिन हाँ ऐसे मार्केट में है जहाँ पे वो वन प्लस 7 और 6Z, यानी एसूस के 6Z जैसे डिवाइसेस के साथ इनफैक्ट कम्पीट करता है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि प्राइस वाइज इज टोटली वर्थ योर मनी।